डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है। डिप्रेशन से लोगों की जान जा सकती है। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसे डिप्रेशन है, तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। अब तक तो ये जग जाहिर बात है कि जिन लोगों को डिप्रेशन है उन्हें मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए दवाइयाँ और काउंसलिंग के लिए। लेकिन लोग ऐसा क्यों नहीं करते? इस चीज़ के कई कारण हो सकते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने अंदरूनी मामले, अपनी गोपनीय बातें किसी अनजान इंसान के सामने नहीं बताना चाहता। इंसान को ऐसा लग सकता है कि किसी दोस्त को बताना ज़्यादा अच्छा होगा किसी नए इंसान को बताने से। व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि वो पहले किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास गए थे, लेकिन उनका अनुभव कुछ खास अच्छा नहीं रहा, इसलिए अब उन्हें लगता है कि शायद सारे लोग इसी तरीके के होंगे। डिप्रेशन में एक प्रमुख हिस्सा होता है निराशा, होपलेसनेस और असहायता, हेल्पलेसनेस। व्यक्ति सोचता है मेरे सिचुएशन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। इस विचार से उनको बाहर निकालने के लिए उनको किसी चिकित्सक के पास भेजना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने तरफ से ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त को कहिए कि तुम किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, तुम्हारे दो सेशंस के पैसे हम दे देंगे। दो सेशंस जाने पर ही उस व्यक्ति को लगने ही लगेगा कि उनके सिम्टम्स में कुछ कमियां आई हैं। दो सेशंस काफ़ी होंगे उनके लिए जानने के लिए कि वो थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट आप उनके लिए अच्छे थे या नहीं। देखिए, दो सेशंस की कीमत अधिकांश समय मुंबई में रेस्टोरेंट के बिल से कम होगा। आपके दोस्त के दो सेशंस के ट्रिप स्पॉन्सर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके आप असल में किसी की जान बचा सकते हैं। डिप्रेस्ड व्यक्ति और उनका मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दोनों मिलके कोलैबोरेट होके काम करना शुरू करेंगे। लेकिन इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी और प्रमुख चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है सुनना। सुनने के दौरान उनको अपना पूरा ध्यान दीजिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए वो क्या कह रहे हैं उस बात पे। जब वो बात कर रहे हैं तब आपने फ़ोन पर मैसेजेस मत चेक कीजिए। जब वो बात कर रहे हैं तब आप इधर उधर मत देखते रहिए, उनकी बातों को टोकिए मत, उनको इंटरप्ट मत कीजिए। जो वो बोलना चाह रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। उनके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखिए। उनको उल जलूल सवाल मत पूछिए कि ये क्यों नहीं किया, उसको तुमने जवाब क्यों नहीं दे दिया, फिर क्या हो गया, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या, तुम्हें पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। इस तरह से टोकिए मत उसे बार बार। उनको एनकरेज कीजिए कि वो ज़्यादा ज़्यादा बात करें। उन्हें कहिए हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। जब आपका दोस्त अपनी बात आपके सामने रख रहा है तब उन्हें सुझाव देने के लिए कूद मत पड़िए। देखिए, ये ज़रूरी है कि जब कोई इंसान अपनी दृष्टिकोण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है वो अपना मन खोल के अपने सामने रखे। जब वो अपनी सारी बातें बताएगा तब उसका दिमाग खुलेगा और उसे अपने दिमाग में ही नए सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको सुझाव देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी की समस्या को नहीं समझ के, उसके सिचुएशन को नहीं समझ के जल्दी सुझाव देने लगते हैं तब लोग इसे पसंद नहीं करते। फिर वो अपनी बात को रोक देंगे, फिर वो अपनी बात को अपने मन में ही दबा देंगे। डिप्रेशन एक केमिकल कंडीशन है। वो दिमाग के रसायनों के बैलेंस के बिगड़ने के वजह से होता है। इसलिए समझिए कि डिप्रेस्ड व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़ी समस्याओं को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ में होगा। आपको उसकी समस्या बहुत छोटी लग सकती है, जैसे कि वो कहेगा कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके बॉस ने उसे डांट दिया या इस साल उसे इंक्रीमेंट नहीं मिला है। और आप सोचेंगे यार मुझे तो दो साल से प्रमोशन नहीं मिला है, मेरा भाई डेढ़ साल हो गए वो नई नौकरी ढूंढ रहा है, वो बेचारा अब तक बेकार है, हम तो डिप्रेस नहीं हैं, हम तो मरने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो इतना डिप्रेस्ड होने की क्या बात है। डिप्रेशन समस्या को सेंटर्ड नहीं है,
समझिए कि डिप्रेशन का मूल है केमिकल इम्बैलेंस। जब वो केमिकल इम्बैलेंस सही हो जाएगा, जब इंसान के सोच की गड़बड़ी ठीक हो जाएगी, यानी कि वो अपनी समस्या को बहुत बड़ा बना के देखता है, इस तरह की ये समस्याएं जो उसके सोच में हैं, जिसे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, जब ये सोच की गड़बड़ियाँ ठीक हो जाएंगी, तब धीरे धीरे उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स भी कम होने लगेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप उनकी समस्या को छोटा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि वो अपनी समस्या को आपके सामने खोल के नहीं रखेंगे। जब आपका डिप्रेस दोस्त अपनी कहानी सुना रहा है, तो उसके बीच में अपनी कहानी को मत ले आइए। उसे ये मत कहिए, अच्छा तुम्हारी सास इतनी बुरी है, अरे हाँ मेरी सास भी चुड़ैल है, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे हैं, हमारा दोनों का बहुत अच्छा जमता है। जब आप किसी की बात सुन रहे हैं, तब जिम्मेदारी से उनकी बात सुनिए। अपने इस कहानी बताने का सुख बीच में मत ढूंढने लगिए। अपने डिप्रेस्ड दोस्त के साथ एम्पथाइज कीजिए। एम्पथी का मतलब है आप सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं कि आपको पता है कि उसे क्या भावना अनुभव हो रहा है। अगर आप ये बताना चाहते हैं तो उसे कहिए, उनके फीलिंग्स को एक शब्द एक नाम दीजिए। उन्हें कहिए कि हाँ दोस्त मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, हाँ दोस्त मुझे पता है कि तुम बहुत हारे हुए हो, गुस्से में हो, तुम्हें फील हो रहा है कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनफेयर है। फिर उसे बताइए कि ऐसी फीलिंग होना नॉर्मल है। फिर उसे कहिए कि ये फीलिंग्स किसी को भी आ सकती है। देखिए फीलिंग्स में गड़बड़ी नहीं होती, हमारे रिएक्शंस में गड़बड़ी होती है। अगर किसी ने हमें धोखा दिया है तो हम दुखी होंगे, ऑब्वियस है बात, इसलिए वो दुख नॉर्मल है। गड़बड़ी तब हो जाती है कि अगर किसी ने हमें धोखा दिया है और हम बदला लेने के लिए उसे मरने मारने पे आमादा हो जाएंगे, तब हमारा रिएक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आप अगर एम्पथाइज करना चाहते हैं तो दो ज़रूरी चीज़ें हैं। पहले उन्हें कहिए कि मुझे पता है कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, और दूसरा उन्हें कहिए कि ये फीलिंग्स नॉर्मल है। डिप्रेस्ड व्यक्ति कई बार मन ही मन सारा समय अपनी बुराई करता रहता है, सोचता है सारा दिन कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी है, इसीलिए तो मेरे साथ ये सब बुरा हो गया, मेरी ही कोई गलती रही होगी। ये चीज़ें दोहराते 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 वो अपनी कीमत भूल जाता है। आप अगर उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसे उसकी कीमत याद दिलाइए। डिप्रेस व्यक्ति को याद दिलाइए कि उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ पा लिया है, उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ अर्जित किया है। स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आना या किसी रेस में फर्स्ट आना सिर्फ यही अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन लोगों को खुशियाँ दे पाना ये भी एक अचीवमेंट है। वैसे तो अगर हम देखने जाएं तो सही समय पे चल पाना, बोल पाना, दोस्ती कर पाना, ये भी बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं जिनको लेके हमें खुश होना चाहिए। आप अपने दोस्त को उनके अचीवमेंट्स याद दिलाइए। एक चीज़ जिससे मैंने कई पेशेंट्स को लाभ करते हुए देखा है वो है संदर्भ का बदल जाना, चेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक नया दोस्त, एक नया घर, एक नया शहर, एक नई जिंदगी, कुछ नई शॉपिंग, नए कपड़े, अपनी ज़िंदगी में कुछ नयापन लाना, को एक नया कॉन्टेक्स्ट अपनी ज़िंदगी में लाना, ये कई बार लाभ करता है। ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, आपको फिर भी ज़रूरत पड़ेगी कि आप मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक के पास जाएं, थेरेपी ले, किताबें पढ़ें, लेकिन फिर भी नएपन से बहुत मदद मिलती है। ट्रीटमेंट शुरू करवाने के बाद आपके दोस्त को लग सकता है कि यार मैं तो कई समय से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी स्थिति में सुधार क्यों नहीं आ रहा है। तब उन्हें याद दिलाइए कि समय लग सकता है, चिकित्सा में सुधार आने में समय लग सकता है। डिप्रेशन के सेंटर में है उदासीनता। समस्या उदासीनता से नहीं है, आप उदास रह ही सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, भावनाओं में समस्या नहीं है, इमोशंस तो कोई भी आप महसूस कर सकते हैं। प्रॉब्लम होती है विचारों में, प्रॉब्लम होती है एक्शंस में। तो अगर आप दुखी है, इट इज़ ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, आप दुखी रह सकते हैं। तकलीफ़ तब आती है जब आप उस दुख के बारे में कुछ नहीं करते।
अगर आप दुखी हैं और आप अपने दुख से हर रोज़ लड़ाई कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। देखिए, मानसिक रोग कोई चुनता नहीं है, ये तो एक तीन पत्ती के खेल के जैसा है कि आपको कौन से पत्ते मिलेंगे ये आपको नहीं पता। हो सकता है आपको बुरे पत्ते मिलेंगे, लेकिन अगर आप समझदारी के साथ खेलेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, तो आप उन बुरे पत्तों के होने के बावजूद उस खेल को जीत सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपको मानसिक रोग है, ये आपने चुना नहीं है, लेकिन इससे बाहर आने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। उपाय करते रहेंगे, समझदारी से आगे बढ़ेंगे, तो मानसिक रोग ख़त्म हो सकता है। अपने दोस्त को आपको ठीक यही मैसेज देना है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, यानी कि आपको पसंद आया है, तो लाइक बटन दबाना बनता है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।